आप देख रहे हैं 575 आंसर्स का एक नया रवेला एपिसोड, जहां हम ऑफकोर्स क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज, जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है 3 मैच टेस्ट सीरीज का साउथहैम्पटन में। और क्यों हम इस मुकाबले के बारे में बात कर रहे हैं, बल मुकाबले के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 117 दिन बाद लाइव क्रिकेट जो हमारे सामने आया है, तो बातचीत करनी तो पड़ेगी। अब दूसरे दिन के बाद हमने ऑफकोर्स यहाँ पे बातचीत करेगी कि वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज थे उन्होंने वो दिन अपने नाम किया था, जेसन होल्डर ने 6 विकेट अपने नाम लिए, और तीसरे दिन वेस्ट इंडीज ने अपने बल्लेबाजी के बतौर एक काफी कमांडिंग लीड अपने नाम कर ली है। तीसरे दिन के इस खेल के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेमी ऑल्टर एंड निखिल नाज। निखिल, इफ आई वाज अ वेस्ट इंडीज फैन, अगर मैं समर्थक होता या मैं प्लेयर होता या मैनेजमेंट में होता, सर 70, 80, 90 रन की जो लीड है, आई वुड बी अ हैप्पी कैंपर। बिल्कुल, और अगर ये मतलब आई थिंक थोड़ा सा मिक्स बैग हो सकता है, बिकॉज 70-80 जैसे आपने कहा लीड तो बहुत आदमी खुश होगा, लेकिन जहां पर थे ना ये लीड 150 के भी ऊपर जानी चाहिए थी। अब शायद मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरह से जेसन होल्डर आउट हो गए। वैसे वेस्ट इंडीज की आप बैटिंग देखें, नंबर 8 पे डॉरिज बैटिंग कर रहे हैं, क्लासिकल बैट्समैन नजर आते हैं, हमें याद है उन्होंने 100 मारा था, वो जो जब जेसन होल्डर ने 200 रन बनाए थे वो 100 मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ ही, तो मतलब 8वें नंबर तक बैटिंग है। तो जब ऐसा स्टार्ट मिल गया था जो ब्रेथवेट ने स्टार्ट दिया, कहीं ना कहीं लगता है 150-200 की लीड हो जाती तो और संतुष्ट होते, क्योंकि शायद ये चीज भी उनके ध्यान में होगी ना, आखिरी बैटिंग करनी है आपने, और आखिरी बैटिंग 100-150 रन भी शायद मुश्किल हो जाए। इंग्लैंड को अब बेस्ट आई थिंक टाइम मिलेगा बैटिंग करने के लिए, अगर वो कल बैटिंग करते हैं जिस टाइम पे द कंडीशन विल बी बेस्ट। थोड़ा सा अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दूं मैं इंग्लैंड को, तो वो ये है कि कल के मुकाबले आज कंडीशन थोड़ी आसान थी बैटिंग के लिए, ये आपको थोड़ा सा मतलब टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम वेस्ट इंडीज बैटिंग, बहुत अच्छा उन्होंने खेला, कई लोगों का मानना है उन्होंने इंग्लैंड को दिखाया कि इंग्लैंड में आप कैसे बैटिंग करते हैं, वेस्ट इंडीज वालों ने दिखाया, वो सही भी है, लेकिन थोड़ा एडवांटेज यहाँ वेस्ट इंडीज को मिला। आज धूप खिली हुई थी, थोड़ी पिच भी इज्ड अप थी, कंडीशंस अच्छी थी, उसका उन्होंने पूरी तरह से फायदा भी उठाया और एक कमांडिंग पोजिशन में। तो अगर आप इसके, मैं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देख रहा था 330 के करीब, आप पहले बैटिंग कर रहे हो 330-335 तक था, और अगर आप सेकंड बैटिंग करते हो तो भी लगभग उतना ही था, तो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा फर्क नहीं था यहाँ पर। लेकिन इंग्लैंड बहुत बिलो पार गई है और जो वेस्ट इंडीज की टीम है एट पार है, तो हाँ इस वक्त तो खुश होंगे और खुश हो सकते थे मुझे। अब इससे पहले कि मैं मिस्टर ऑल्टर को कॉन्वर्सेशन में लाऊं, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं न्यूज़ क्लिक के फेसबुक पेज पर, तो अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल हैं तो ऑफ कोर्स जस्ट टाइप इन योर क्वेश्चंस एंड वी ऑफ कोर्स विल ट्राई आंसरिंग योर क्वेश्चंस। जिमी, आपके हिसाब से कौन से वो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज थे जिनने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया? देखिए, आई डोंट थिंक अभी हम बहुत इनके चर्चा नहीं करते, लेकिन शेन डॉरिज की बैटिंग जो है, स्पेशली इन दैट क्रूशियल मिडिल ऑर्डर स्पॉट, बैटिंग एट 7-8, इन्होंने बहुत बहुत बार दिखाई होम पे अवे में, और खास करके जेसन होल्डर जब फायर नहीं करते तो उनकी जो बैटिंग है इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल। नाउ यू नो ही इज बैटिंग ऑन 52 राइट नाउ, अगले जो आधा घंटा है 40 मिनट, अगर डॉरिज टेल से गेट सपोर्ट फ्रॉम द टेल तो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। वन गाय आई थिंक हु रियली डिसअपॉइंटेड अगर आप पूछे मुझसे, तो इट वॉज जर्मेन ब्लैकवुड। ये वही ब्लैकवुड है जिनने अपने करियर की शुरुआत में बहुत ही बेहतरीन सेंचुरी मारी थी, पर वही फ्लैशी शॉट्स के कारण वो 2 साल तक तकरीबन बाहर थे। अभी इस मैच से पहले उन्होंने कहा था कि यू नो आई डोंट वांट टू बी दैट गाय हु चेस द बॉल, हुज अ बॉल चेसर, और वही हुआ, आए अच्छे खेले, अच्छी खासी गेंदबाज खेली, ही गॉट बेटर्ड इन, देन ही गॉट आउट इन अ वे व्हिच मतलब टेस्ट बैट्समैन कैन नॉट बी ड्राइविंग एन ऑफ स्पिनर स्ट्रेट टू मिड ऑफ स्लैब। तो यू नो ऑन द वन हैंड यू हैव समवन लाइक ब्रैथवेट एंड डॉरिज, जिन्होंने वही 80-90-100 बॉल खेल के giving your team a chance, and then someone like Blackwood given a chance to impress again, wohi shots. So I wish guys like him who obviously have so much talent, wo thoda CK Holder se, Brathwaite se, Hope se, but overall like Nikhil said, you know abhi lead jo hai 80 ke aas paas hai, wo agar 140-150 tak gayi, England are going to find it very very tough to come back, even though 2 din hai, but advantage West Indies. Agar aapne 120-140 ki lead le li, फिर तो हाथ खड़े करके बोल सकते हो कि वेस्ट इंडीज ये मुकाबला हारेगा तो नहीं, जिस प्रकार की उनकी गेंदबाजी है स्पेशली। नहीं, आई मीन आई डोंट नो, आप मतलब वी हैव सीन फनियर थिंग्स हैपन इन क्रिकेट, 150 की आप लीड बनाते हो और ये इंग्लैंड बैटिंग, जैसे मैंने कहा बेस्ट अगर आपको कंडीशन मिलती है 300 रन बनाने के तो लायक है, आप मानेंगे ना ये इंग्लैंड की टीम 300 रन तो बना सकती है, आप 300 बनाते हैं, 150 चेस करना
बहुत टफ हो जाता है। 300 आप आई थिंक आप ज्यादा आंक रहे हो इस इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को। 300 तो बहुत मतलब एट पार है, साउथहैम्पटन का ग्राउंड है, अगर ऐसी धूप खिली हो 300 रन शुडंट बी टफ फॉर दिस इंग्लैंड बैटिंग, अगर यू नो स्टोक्स चल जाते हैं, रोरी बर्न्स उनके चल जाते हैं, बटलर भी आके नीचे रन बना देते हैं तो, और ओली पोप मतलब ठीक है पहली पारी में नहीं किया, मतलब बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, 300 रन बनाने के लायक, और बनाया भी है। आप दक्षिण अफ्रीका का दौरा देख लें, आप सब बात कर रहे हैं इंग्लैंड की ये बैटिंग लाइनअप इनएक्सपीरियंस है, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, बट दक्षिण अफ्रीका दौरे पे भी तो यही टीम गई थी ना जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया वहां पर। वेस्ट इंडीज में सीरीज हार गए थे लेकिन फिर भी आखिरी टेस्ट मैच वहां पर जीते थे, वो भी लगभग यही बैटिंग थी। तो मतलब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतने साल से हम हमेशा ये चर्चा करते मैंने, और क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम वन हैड टू बाइट हिज टंग आल्सो, कई बार हमने ऐसे अनाउंस कर दिया ये टीम जीत जाएगी और पता चला यू नो पूरा फेरबदल हुआ, तो यू विल बी कॉशियस टू से कि नहीं जीत सकते, बट या यू विल गो विद वेस्ट इंडीज एज फेवरेट। एक फैक्टर और आई थिंक वेस्ट इंडीज के फेवर में जाएगा जो शायद हमें चौथी पारी में पता चले, why is batting in the fourth inning stuff for multiple reasons, right? Pressure hota hai, pitch ki condition itni achhi nahi hoti, ek bahut bada factor hota hai reverse swing ka, aur reverse swing fourth inning mein zyada isliye hota hai kyunki pitch aur rough ho chuki hoti hai, to ball bahut achhi tarah se ban jati hai for reverse swing and that becomes tougher in the fourth innings. Is baar shayad wo factor thoda kam ho kyunki aap ball ko utni achhi tarah se bana nahi sakte with a saliva bat. Ha, abhi bhi hum dekh rahe hain Jimmy Anderson reverse swing kara rahe hain, बट आई एम जस्ट सेइंग जो मतलब जितनी परफेक्ट वो गेंद चाहते हैं, जिस तरह की जो आपको आदत हो जाती है बनाने की, एक तरफ थूक लगा के चमकाते रहो, एक तरफ रफ होती जा रही है, उतनी परफेक्ट गेंद शायद ना बन पाए, सो इवन दो इट्स अ माइनर डिफरेंस बट मे मेक अ डिफरेंस फॉर द बोलिंग टीम इन द फोर्थ इनिंग्स एंड दैट इज एन एडवांटेज अगेन फॉर वेस्ट इंडीज थोड़ा बहुत इफ यू आर लुकिंग एट दिस पॉसिबल। जेबी 3 दिन का खेल खत्म हो गया है तो कैन बी से कैन वी हैव अ सॉर्ट ऑफ अ सेंस कि अब ये सलाइवा बैन के बाद बॉल कुछ ऐसे काम कर रहा है या वैसे काम कर रहा है या 3 days still too early? नहीं, 3 days की बात करें तो फॉर नॉर्मल टेस्ट मैच तो यू कैन से इट ओके। यहाँ पे क्या है वैसे लाइक निकल सर वी नॉट सीइंग इतना स्विंग जो है, पर उसके बावजूद सलाइवा नो सलाइवा जेम्स एंडरसन फ्रॉम द इंग्लैंड टीम 38 के हैं वो, बाकी अपने 3-4 बॉलर से इतने आगे हैं वो, यू नो मतलब अनलकी रहे हैं बहुत, रॉस्टन चेज को 1-2 बॉल अंदर गए, पर वही है ना, मैं वही पूछ जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, स्टुअर्ट ब्रॉड ये मैच क्यों नहीं खेल रहा है, एंड इट लुक्स 2 दिन है अभी, इट इज स्टिल पॉसिबल दैट यू नो लाइक निकल सर हो सकता है जेसन जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड कुड स्टिल बोल इंग्लैंड टू विक्ट्री, वी डोंट नो विदाउट गेटिंग एग ऑन आवर फेस एंड मेकिंग एनी कमेंट, वही बात है 485 विकेट्स अ बॉलर, मैं आज देखा था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नया फॉर्मेट में इन सॉलिट्यूड, he had the best bowling average in England's last 2 wins which was the 2-2 Ashes draw ek saal pehle aur fir in South Africa he averaged some 19 point something per wicket, wo bowler kyun nahi khel raha hai man, again we're speaking in hindsight now with 3 days gone by, but unki tarah bowl like no bowling that Jason Holder wala pace like Nikhil was saying yesterday, upar se ye do hit the deck type bowler jinki humne charcha ki thi, they've been a flop, I mean Jofra Archer bowled some very good balls, unhone pads pe itni balls di Rostin Chase ko, aise ballebaaz to koi bhi ho नींद में उस बॉल को वो फाइन लेग और मिड विकेट की तरफ वो मारेगा, तो आई थिंक ड्रॉपिंग स्टुअर्ट ब्रॉड टेकिंग अ वेरी टफ ड्रॉप जो भी है इज गोइंग टू कम बैक टू रियली बाइट इंग्लैंड इन द रियर एंड। आई थिंक निखिल इफ यू टॉक फ्रॉम वेस्ट इंडीज पॉइंट ऑफ व्यू द फैक्ट बिकॉज ऑफ जो हमारा पैंडेमिक यहाँ पे चल रहा है कोरोना वायरस का, उसके मतलब आप बबल में है और बबल में आपको रहना है, तो मतलब काफी टाइम से आप इंग्लैंड में है उस बबल में, कहीं ना कहीं अभी जो आपने वो बात बोली ना इंग्लैंड को सिखाया इंग्लैंड में कैसे खेलते हैं, I think that bubble, you suppose, has also played a part that you've been there for so long and you've been focused only on that one thing that is ahead of you, the first test. 100%. मतलब I couldn't disagree with this. इसका फायदा जरूर मिला है. बल्कि ये चीज़ मैं सोच भी रहा था सीरीज शुरू होने से पहले कि हो सकता है, you know, इतने दिन पहले जो वेस्ट इंडीज की टीम वहां पर गई है उसका फायदा मिला. दूसरा एडवांटेज ये हो गया पैंडेमिक को लेकर कि आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, नहीं तो आप इंग्लैंड दौरे पर जब जाते हैं प्लेयर्स क्या होते हैं, शाम को घूम रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, ट्रेनिंग सेशन इतने रिग्रेस नहीं हो रहे, आप रिलैक्स कर रहे हो, अब क्या है आप ऑलमोस्ट यू नो स्टेडियम में जैसे रह रहे हो, आप या तो होटल में होते हो, बबल में होते हो, या ग्राउंड पे रहते हो. मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने बनाया कि आप कैसे पूरा दिन जा रहा था, तो देयर फुल डे वाज जस्ट क्रिकेट. और दूसरी बात ये, हम जैसे जानते हैं वेस्ट इंडीज प्लेयर्स लाइक टू हैव अ बिट ऑफ फन, वो हैप्पी गो लकी टाइप प्लेयर्स होते हैं, इंग्लैंड जैसी जगह में आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो शाम को आप दोस्तों से मिल रहे हो, घूम रहे हो, बाहर जा रहे हो,
वो सब बंद हो गया था। तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के मैं वो जो वीडियो देख रहा था, सुबह उठा 7 बजे उठ जाते थे, ब्रेकफास्ट खाते थे, अपना क्या रूटीन है, प्रैक्टिस करते थे, बाय 10 o'clock इन द बेड लाइट्स ऑफ, यू नो एकदम हॉस्टल जैसा माहौल था। आई थिंक वो इतने दिन से जो चल रहा है, आपका फोकस भी था, नो डिस्ट्रैक्शन, प्लस जैसे आपने कहा इंग्लैंड में आप हो, कंफर्टेबल हो गए हो, टाइम जोन से प्रैक्टिस करे, वो सब है। दूसरी बात यह है कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी लगातार इंग्लैंड में खेलते भी रहते हैं, क्लब क्रिकेट खेलने आते हैं आजकल, कुछ काउंटी क्रिकेट भी खेले, तो उन सब चीजों का फायदा भी उनको मिला है। बट ऑल्सो द टीम, मतलब हम क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया क्रिकेट ज्यादा देखते हैं और इंडिया वहां जाके जीत आई थी तो शायद हल्के में ले रहे थे, पर अगर आप वेस्ट इंडीज का परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड देखें जब उन्होंने घर पे खेला है, और वैसे भी जो नए युवा बल्लेबाज आ रहे, आई डोंट थिंक किसी ने एकदम अज्यूम किया था कि इट विल बी अ वॉकओवर फॉर इंग्लैंड। यस, इंग्लैंड मेंटेड एज फेवरेट, बट लोगों को पता था कि इंग्लैंड का बैटिंग भी थोड़ा कमजोर है, दोनों की बोलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है, इट विल बी कि contest between which has a weaker batting lineup, or yeah. if the West Indies दिखा रहा है, showing right now. हाँ, और West Indies लेकिन अब दिखा रहा है कि उनका इतना weak नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, आप कितना बड़ा advantage है, हम वनडे क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, आप यहाँ पर 3 all-rounders ही इनके आप देख लो, 6, 7 और 8 चेज बैटिंग कर रहे हैं, 6 पे 7 पर आपके कर रहे हैं डॉरेज, 8 पे जेसन होल्डर। कोई भी टीम वुड लव टू हैव यू नो दीज, आपका विकेट कीपर आ गया, ऑफ स्पिनर आपका, और आपका एक फास्ट बोलर 6, 7, 8 पे कर रहे हैं, हु आर केपेबल बैट्समैन टू गेट यू 100 एनी डे। तो मतलब इससे लकी कौन सी टीम हो सकती है, यही आई थिंक स्ट्रेंथ है वेस्ट इंडीज की, एंड दैट्स अ लग्जरी जो इंग्लैंड के पास भी इस वक्त मौजूद नहीं है। यू नो आप बटलर के बाद इज द टेल बेस्ट भी ठीक है, थोड़े बहुत रन आते, बट वैसा नहीं है। सो ये डिफरेंस है दोनों टीमों का, मे बी माइट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल गोइंग फॉरवर्ड। I don't know about you guys, Jamie, but my favorite batsman in this entire lineup, as far as the Test cricket is concerned, is Roston Chase. क्योंकि मेरे को पता है जनाब ने जाके वहाँ पे प्लॉट ले लेना है, और प्लॉट में उन्होंने खुदाई करनी है, और जब तक प्लॉट उनका बनेगा नहीं, उन्होंने ना बॉल मतलब ब्लॉक करना है, कुछ नहीं करना, he's just there, he's not bothered about making runs also. But Jamie, you suppose, see, 204 का of course first innings उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड ने बनाया of course, तो आपको पता था, but so the bowlers of course did a good job as far as West Indies is concerned, but अक्सर हमने West Indies की बल्लेबाजी के बारे में ये देखा, अगर आप 204 का लक्ष्य है first innings का क्रॉस करने का, given their batting lineup and the way they play in Test cricket, it's pretty much like a 300, because वो कहीं ना कहीं वो last ही नहीं करते हैं, और फिर they lose wickets in clusters, लेकिन इस बारी clusters में यहाँ पे wickets lose नहीं कर रहे हैं. And कहीं ना कहीं when you're losing crucial wickets, कहीं ना कहीं people are coming in, either you're taking your time or either you're building small partnerships, and that is then helping you build up. नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की अर्जुन, and exactly, you know, you whether it's Chase या Dowridge, अब Dowridge की बात कर ले, वही काम करते हैं वो जो जॉस बटलर, जॉस बटलर हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 2 साल से टेस्ट क्रिकेट में 28, 30, 32 वो मार रहे हैं, फिर वो आउट हो रहे हैं, इसी मैच में वही हुआ, द गाय रीच्ड 35 एंड प्रोबेबली आई डोंट नो नॉट टू मेनी बॉल्स बाय स्टैंडर्ड, और फिर आउट हो गए। यहाँ शेन डावरेज, उनकी स्टार्ट भी इतनी ब्रिस्क थी जितनी बटलर की थी, बट जब विकेट गिरा चेस का, वो थोड़े सहम गए, नाउ ही इज प्लेइंग वेरी वेल। अब उनका काम वही है, बैटिंग थ्रू द टेल टू मेक दैट लीड इनटू 140। वही बात है, क्रेग ब्रैथवेट लुक लाइक टू माय माइंड, जब तो मैंने उनको देखा था, ही लुक लाइक गेटिंग 100, ही आल्सो गॉट आउट द वे दैट रोस्टन चेस गॉट, एंड अगेन डूबियस about the height and all, but jab wo out ho gaye, then Roston Chase stood up, now Dowridge is doing it, now we have Aldari Joseph, even Joseph, the guy has shown in a brief thing in career ki wo thoda time tak wo tik sakte hain, Shannon Gabriel bhi tik sakte hain, hum yaad karte hain unko jab unhone jab ek do ball baki thi ek test match mein against Pakistan, jab pure fielder crowded the, he went for a slog, but the guy has still batted, you know, 19-25 balls a few times in test cricket, to pura focus wahi hai ki how do you do it in pairs, aur wahi baat jo England ki batsman jisne bhi start liya, कहीं ना कहीं कोई बड़ा स्कोर नहीं आया यहाँ पे, देव गॉट 250s एंड दैट इन द एंड माइट मेक अ डिफरेंस, स्पेशली इफ डावरेज कैन टेक दिस 55 ऑड इनटू 80 90 और मे बी इवन 100, सो इट्स ऑल अबाउट द वेस्ट इंडीज शोइंग के भाई हाँ, वी माइट नॉट बी द मोस्ट फैंसी टीम, बट हमें वो काबिलियत है, एंड लाइक निखिल सेड, बीइंग इन दैट बबल फॉर अ लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू अदर टीम्स, मैं वी टॉक अबाउट दिस टीम शोइंग इन इंग्लैंड, इस वेस्ट इंडीज टीम ने विराट कोहली की टीम को दिखाया जो 2 साल पहले यही यहाँ पे थी, how to yeah. bat in England. I think that's a very pleasing thing we've seen also. Sir, आपने ये touchy topic लिया है यहाँ पे, अब अभी तक कोई सवाल आए नहीं थे Facebook पर, अब सवाल आने शुरू हो जाएंगे, but before we guys end this chat, Jamie, Nikhil, just a word, क्योंकि 3 दिन का खेल समाप्त हो गया है, तो what have you guys made of the umpiring so far? Because that is also something that has got affected courtesy of the pandemic. So what have you made of the kind of decisions that have been given so far? Jamie? I mean, look,
ओवरऑल हम देखें तो यू हैव टू सी कि ये तो चल ही रहा है. देयर्स वेरी फ्यू अंपायर आजकल जिनका रिकॉर्ड जो है परफेक्ट है. वी सॉ जेसन होल्डर ने 3 रिव्यू जो ली है वो बिल्कुल सही थे. हो सके यू नो सम टाइम बिकॉज द अंपायर्स आर आल्सो गेटिंग बैक. बट मैं थोड़ा सरप्राइज ही हूँ अब आपके पास वो शोर नहीं है. आपको पता है शोर इज नॉट इंडिया इन अ वन डे मैच. इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट इज प्रीटी हार्ड टू गेट थिंग्स. अब यहाँ पे जो बिल्कुल साउंड नहीं इफ अंपायर्स आर नॉट हियरिंग एजेस राइट नाउ फिर वो प्रॉब्लम है. बट आई विल से लेट्स नॉट बी टू हार्श क्योंकि लाइक यू सेड यू नो अभी इतने टाइम बाद तो क्रिकेट हो रहा है. नर्व्स आर प्रोबब्ली देयर, इमोशंस आर देयर. लोकी सीरीज है लेकिन पूरा जो क्रिकेट प्रेमी है दुनिया के मोस्ट ऑफ देम मस्ट बी वॉचिंग दिस मैच. तो कहीं ना कहीं अंपायर्स के ज़हन में होगा. But I've not seen anything which has been too shocking, frankly, in the 2 odd days of play that we've had. These are all basic mistakes, which even umpires like Aliam Dar, Simon Toffol, itna to ye log bhi kar chuke. So I would not be too hard on Illingworth and kya naam hai unka dusra, Kettleborough. But Nikhil, my thing is 5 day cricket because you're coming after a long time. I think the main thing is to also build stamina, na sir. The stamina to stay in the zone and to watch every ball for what is being put out there. Wo to time lagta hai usme. बट आई गेस मेंटल तो काम कर रहे होंगे ये. फिजिकल मे बी थोड़ा प्रॉब्लम होती टू गेट बैक इन टू टॉप फिजिकल फिटनेस. मेंटल चीजों पे आजकल काम करते हैं. मेंटल कंडीशनिंग कोचेज होते हैं तो वो तो आप यू नो अगर एक्सरसाइज बताएं या योगा करें या मेडिटेशन जो भी है वो तो आपको रिमोटली भी बता सकते हैं. यू कुड हैव प्रैक्टिस. सो आई एम अज्यूमिंग ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वो चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन. फिजिकल इशू कुड हैव बीन देयर फॉर फास्ट बोलर्स बट लकीली वो भी एक अच्छी चीज है. कोई ऐसा लगा नहीं कि चाहे वेस्ट इंडीज की तरफ से देखा हो या इंग्लैंड की तरफ से कि कोई भी बोलर फिजिकली फिट नहीं है. तो रफ्तार में कमी नहीं नजर आई. बल्कि यहाँ पर थोड़ा ये हो गया कि ये शायद पिच रफ्तार के लिए बनी नहीं थी. इसीलिए हम जो देख रहे हैं जो सबसे तेज गेंदबाज हैं जोफ्रा और वुड बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहे हैं. विकेटें वो ले गए हैं जो यू नो थोड़ा सा गेंद को स्विंग कराते हैं कन्वेंशनल. चाहे ऑफ स्पिनर ने भी जो विकेट लिए तो वहां पर आई थिंक इंग्लैंड गलती कर गया. उसी गलती से मुझे याद आता है क्योंकि हम स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं. उन्होंने वो स्टेटमेंट दी है आके कि मैं वेरी डिसअपॉइंटेड. वेरी स्ट्रांग है. हां बहुत स्ट्रांग. अब मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये चेंज कब आया क्योंकि पहले दिन तो वो मतलब यू नो ट्वीट कर रहे थे कि अरे पिच बहुत ही अनइवन है तो ये जो इंग्लैंड अगर नहीं खेल पा रही तो वेस्ट इंडीज भी नहीं खेल पाएगी. बहुत कम रन उनके बनेंगे ये वो. लेकिन जब वेस्ट इंडीज ने थोड़ी अच्छी शुरुआत दे दी तब शायद उनको लगा कि अरे यू नो अब मैं थोड़ा बोल सकता हूँ. क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज भी जल्दी आउट हो जाती तो शायद क्वेश्चन नहीं खड़े होते. तब उनको थोड़ा लगा हाँ अब लूज बॉल आई है तो एक चक्का लगा देते हैं. शायद उन्होंने उसका भी एक फायदा उठाया. और दूसरी बात यह है हाउ विल इट प्ले आउट. मतलब ऐसा नहीं है कि इज द फर्स्ट गाय टू बी ड्रॉप्ड एंड द फर्स्ट गाय जो डिसअपॉइंटेड है कि ड्रॉप हुए. सारे प्लेयर ही होते होंगे. बट ये कहना हाउ डज दिस प्ले आउट इन द इंग्लैंड टीम और क्या इसके पीछे यू नो आई मीन अगेन यू ट्राई टू स्पेक्यूलेट. बेन स्टोक्स की कप्तानी है ठीक है. पहला मैच कर रहे हैं उनके ऊपर था एज अ कप्तान किसको खिलाना है. शायद जो रूट होते तो ब्रॉड को बाहर ना बैठाते. बेन स्टोक्स ने ये डिसीजन लिया कि इनके साथ जाऊं. तो अब क्या इक्वेशन बनती है स्टोक्स और ब्रॉड के बीच आगे चलकर. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा. जो रूट वापस आते हैं तो डज ही सेट थिंग्स राइट. सो इंग्लैंड अगर अभी तो ठीक है अगर ये मैच बचा देता है इंग्लैंड तो फिर सब भूल जाएंगे इसको. इंग्लैंड अगर ये मैच हार गया ना तो फिर आप ये स्टोरीज देखेंगे. और अगर लोगों को लगता है कि इंडियन मीडिया एग्जैजरेट करता है तो मैं ये बस कहना चाहता हूँ आप जरा इंग्लिश मीडिया को पढ़ें. वो अलग ही लेवल पे तो फिर जो कहानियां निकलेंगी ना वहां से वो बहुत मजा. बिल्कुल नहीं बट इंग्लैंड इज नोन सर जो इनके अंदर का आपसी का जो माहौल है और बाहर के लोग आपसी का माहौल यहाँ पे अंदर का खराब करते हैं समाओ दिया था. ये जेमी का लगता है आई थिंक द ऑडियो इज गॉन. आई थिंक कोई हमारा यहाँ पे आपसी माहौल खराब करने की ट्राई कर रहा है. नहीं नहीं वो जेमी क्या है हम मैं और जेमी जहाँ रह रहे हैं हम आसपास ही रहते हैं. तूफान आया हुआ है इस वक्त जबरदस्त. तो उनका नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ. तो हो सकता है यहाँ पर तूफान नहीं मैं तो एक्चुअल तूफान की बात कर रहा हूँ. तो हो सकता है उनका इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया बिकॉज वी कांट सी. कैन यू हियर मी जेमी. आई कैन हियर यू नाउ. आई कैन हियर यू. बीच में गया था 10 मिनट. आई कैन हियर यू नाउ. बिफोर वी लीव आई नो यू गाइस डोंट वांट टू मेक प्रेडिक्शन बट यहाँ पे तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है. गाइस जल्दी से बता दो आपको क्या लग रहा है अभी के लिए एडवांटेज वेस्ट इंडीज थोड़ा हाथ लेट्स 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 डिसाइड. नो वन सिटिंग ऑन द फेंस. हु डू यू सी विनिंग दिस गेम.
नहीं नहीं, I would say, मैं कह रहा हूँ it is advantage fully West Indies. देखो अभी 8 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन लीड जो है वो 102 का है. शेन डावरेज अभी है, I think he's gonna start hitting out now. अगर वो लीड 140-50 तक गई है, you could see something really spectacular over the next 2 days, especially on that last day. बताओ देना, बताओ West Indies or England? West Indies, West Indies ये मैच, West Indies ये मैच ले जाएगी. 100, oh nice, good news. Nikhil, what about you? मतलब अभी एडवांटेज वेस्ट इंडीज, अगर आप बोलोगे किसको चुनना है तो मतलब यू नो कोई भी होगा इस वक्त फेयर वेदर एक्सपर्ट तो वेस्ट इंडीज ही बोलेगा, बहुत आसान एक डिसीजन हो जाएगा. बट आई विल नेवर से कि यू नो काउंट अ टीम आउट, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि भाई इंग्लैंड नहीं जीत सकता या ये मैच नहीं बजा, वो तो कभी भी नहीं बोलूंगा वो चीज. लेकिन अगर आप अभी इस वक्त बोलेंगे भाई 100 रन की ऊपर की लीड है और यू नो अभी भी उनके 2 विकेट है और अभी आज का दिन अभी भी थोड़ा बाकी है, अभी भी खेल रहे हैं, तो क्या होता है एंड तक, अगर कल फिर से आती है वेस्ट इंडीज बैटिंग करने तो वो सब भी एक मेंटल प्रेशर है, तो यू हैव टू गो विद वेस्ट इंडीज. बट आई गोइंग बाय माय पास्ट एक्सपीरियंस, नेवर से नेवर. All right, guys, Nikhil Nas, Jenny Otto, thank you so much for joining us. We, of course, will be coming to you for the next 2 days as well. Day 4, day 5 ki analysis hum log karenge. We will come at around 10 p.m., 9:30 p.m. or 10 p.m. on India time on NewsClick's Facebook page. And after that, you can see the show on YouTube as well. Guys, thank you so much for watching. And Nikhil and Jamie, as always, a pleasure. Goodbye. We'll be right back.